जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए था मैं बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई। यस, फाइनली शॉर्ट्स का जो वीडियो है वो भी मोनेटाइज होगा। इतने दिनों तक लोग इतने मतलब इतना क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि शॉर्ट्स कैसे मोनेटाइज करें, शॉर्ट्स कैसे मोनेटाइज करें। तो अब तक शॉर्ट्स मोनेटाइज करने के लिए कोई कोई क्राइटेरिया यूट्यूब पर नहीं था। शॉर्ट्स क्रिएटर को मिलते थे शॉर्ट्स फंड उनके जो शॉर्ट्स का जो वीडियो है उसके बेसिस पर। तो शॉर्ट्स फंड जो है एक टेम्पररी रिवार्ड था, लेकिन 2023 के बिगिनिंग से जो है शॉर्ट्स मोनेटाइज होंगे। शॉर्ट्स वीडियो से भी आप रेवेन्यू कर सकते हैं एड्स के थ्रू। लेकिन इसका जो रेवेन्यू मॉडल होगा वो थोड़ा सा अलग होगा लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट से। एंड मोनेटाइजेशन से रिलेटेड क्या क्राइटेरिया रहेंगे उसके बारे में भी बात करते हैं। ऑलरेडी आपने जो यूट्यूब ने तीन बड़ा अपडेट सितंबर 20 को दिया था मोनेटाइजेशन से रिलेटेड या अर्निंग से रिलेटेड, जिसका ये वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर दे रखा है, आप लोगों ने देखा होगा एंड कुछ जानकारी तो आपने हासिल कर ही ली होगी। ये वीडियो स्पेशली जो है शॉर्ट्स मोनेटाइजेशन के ऊपर रहेगा, जिसमें जो लोग शॉर्ट्स में ज़्यादा फोकस करते हैं उनके लिए इस वीडियो में जानकारी रहेगी। साथ ही साथ लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो वाले भी इसमें से जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिए कि किस तरीके से अगर आप लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट बनाते हैं तो इस अपडेट से आपका फ़ायदा किस तरीके से होगा, और अगर आप शॉर्ट्स बनाते हैं तो आपका फ़ायदा किस तरीके से होगा। तो सबसे ज़रूरी बात जो है वो तो है कि अब शॉर्ट्स मोनेटाइज होंगे। कैसे होगा? ठीक है, पहले जो क्राइटेरिया था 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम, तो ये क्राइटेरिया तो अभी भी है, ये बदला नहीं है। बहुत लोग बोल रहे थे कि ये कम हो जाएगा, ये कम तो हुआ नहीं है। लेकिन एक और क्राइटेरिया यूट्यूब ने लेके आया है वो है कि 1000 घंटे का 1000 सब्सक्राइबर आपका पूरा कर लेते हैं, उसके बाद अगर आप 90 दिनों के अंदर आपके चैनल पर 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यू लेके आते हैं तो भी आपका चैनल मोनेटाइज कर देगा। मतलब अब मोनेटाइजेशन में एंटर करने के लिए एक नहीं दो रास्ता है, लेकिन ये दोनों ही रास्ते से जो है दोनों ही तरीके के चैनल मोनेटाइज हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो है और आपने 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे के वॉच टाइम कंप्लीट कर लिया, तो आप YPP में एंटर कर चुके, मतलब आपका जो YouTube पार्टनर प्रोग्राम है उसमें आप ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। तो एक बार आप YouTube पार्टनर प्रोग्राम में एंटर कर चुके हैं तो चाहे आप लॉन्ग वीडियो बना रहे हो या फिर शॉर्ट्स वीडियो बना रहे हो, दोनों में से ही आपको रेवेन्यू मिलेगा। लेकिन मॉडल थोड़ा सा अलग है, लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो में थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा एंड शॉर्ट फॉर्मेट वीडियो में थोड़ा सा कम मिलेगा। कितना मिलेगा आगे उसके बारे में भी बात करेंगे। और दूसरा जो क्राइटेरिया अभी YouTube ने निकाला वो कि 1000 सब्सक्राइबर के साथ 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज 90 डेज के अंदर। इसके ज़रिए भी अगर आप मोनेटाइजेशन या YouTube पार्टनर प्रोग्राम में जुड़ते हैं तो भी आप शॉर्ट्स से, भले ही आप शॉर्ट्स के ज़रिए जुड़ रहे हैं लेकिन आपका लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट भी मोनेटाइज होगा और शॉर्ट्स वीडियो फॉर्मेट भी मोनेटाइज होगा। YouTube ने ये अलग अलग रास्ता निकाला है, ऐसा नहीं कि आप शॉर्ट्स के ज़रिए मोनेटाइज हो रहे हैं तो सिर्फ शॉर्ट्स में ही आपको अर्निंग होगा, या फिर लॉन्ग के ज़रिए मोनेटाइज हो रहे हैं तो लॉन्ग में ही आपका अर्निंग होगा। अर्निंग आप मोनेटाइजेशन में जैसे भी एंटर करें अर्निंग आपको दोनों में ही होगा। अगर आप लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट से एंटर करते हैं मोनेटाइजेशन में, जो कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम 365 दिन के अंदर कंप्लीट करके एंटर करना होता है, अगर आप इसके ज़रिए करते हैं तो भी आपका दोनों ही फॉर्मेट जो है मोनेटाइज होगा। ठीक है, सेम चैनल पर अगर आप डालते हैं, अलग अलग चैनल पर नहीं, अगर सेम चैनल मान लीजिए आपका एक मोनेटाइज चैनल है उसमें आप लॉन्ग फॉर्मेट भी डालते हैं और शॉर्ट फॉर्मेट भी डालते हैं, दोनों ही आपका मोनेटाइज होगा, आप चाहे किसी भी रास्ते से वहाँ पहुँचे। ठीक है, और अगर आप 1000 सब्सक्राइबर और 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यू 90 दिन के अंदर पूरा करते हैं और इसके ज़रिए आप मोनेटाइजेशन में एंटर करते हैं और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं केवल आपका शॉर्ट्स वीडियो में ही जो है अर्निंग आएगा, आपको उस समय अगर वो मोनेटाइज चैनल पर आप लॉन्ग वीडियो डालते हैं तो उसमें कोई ऐड आता है उसमें से भी अर्निंग होगा। ये है कमाल की बात कि रास्ता दो कर दिया गया है, पहले एक ही रास्ता था, कौन सा आसान रास्ता है, कौन सा जल्दी अचीव कर पाएंगे इसके बारे में भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए शॉर्ट्स वीडियो में पहले जो क्रिएटर शॉर्ट्स वीडियो में क्या होता है, आसानी से व्यूज़ जल्दी जल्दी आ जाते हैं लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो के, तो इसलिए लोग पसंद करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट वीडियो बनाएं और उसी से अर्निंग करें। तो 2023 से आप ये कर सकते हैं। ठीक है, YouTube ने अनाउंस किया है 2023 से जो है वो शॉर्ट्स वीडियो को भी मोनेटाइज करेंगे, और कितना परसेंटेज रेवेन्यू देंगे इसके बारे में YouTube ने कहा है कि शॉर्ट्स क्रिएटर को जो है शॉर्ट्स वीडियो में जो अर्निंग होता है वो 45% मिलेगा और 55% YouTube अपने पास रखेगा, जिसमें से कुछ रेवेन्यू YouTube इस्तेमाल करेगा शॉर्ट्स वीडियो में जो आप म्यूज़िक यूज़ करते हैं उसके लाइसेंसिंग के लिए। आपको पता है कि शॉर्ट्स वीडियो में अगर आप कहीं का म्यूज़िक यूज़ करते हैं तो कॉपीराइट उसमें आता नहीं है स्टार्टिंग से, तो जो म्यूज़िक आप यूज़ कर रहे हैं अगर
उसमें कॉपीराइट नहीं आ रहा है, साथ में आप उससे अर्निंग भी करेंगे, तो थोड़ा बहुत अर्निंग तो उनको भी जाना चाहिए जिसने ये म्यूज़िक क्रिएट किया हो। तो इसीलिए आपको मिलेगा अगर शॉर्ट्स वीडियो के ज़रिए अगर आप मोनेटाइज होते हैं, मतलब शॉर्ट्स वीडियो में अगर आपका अर्निंग आता है तो उसमें से 45% आपको मिलेगा, बाकी जो है यूट्यूब अपने पास थोड़े बहुत रखेगा और जो म्यूज़िक आपके वीडियो में देगा उसके साथ थोड़ा बहुत शेयर करेगा, ठीक है। रही बात लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो की, लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो का जो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल था वो सेम ही है, चेंज नहीं हुआ है कि अगर आप 1000 सब्सक्राइबर और 10 मिलियन व्यूज़ करके मोनेटाइजेशन में घुसते हैं एंड उसके बाद आप लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो डालते हैं तो उसमें अगर कोई व्यूज़ या अर्निंग आता है, ऐड अगर आता है, तो उसमें आपका पहले जैसा मिल रहा था 55% आपको मिलेगा और 45% यूट्यूब रखेगा, ठीक है। और आप ये दोनों सेम चैनल पे कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने चैनल मोनेटाइज कर लिया तो आप कुछ लॉन्ग वीडियोस भी डाल सकते हैं, शॉर्ट्स वीडियो भी डाल सकते हैं, तो लॉन्ग वीडियोस की जो अर्निंग है वो 55% आएगी, शॉर्ट्स वीडियो की जो अर्निंग है वो 45% आएगी। अब लॉन्ग वीडियो में होता क्या है कि वीडियो में ही ऐड आ जाते हैं, जैसे आपने जो वीडियो डाल, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको आपने स्टार्टिंग में कुछ ऐड देखा होगा जिसको आपने स्किप किया होगा या फिर नॉन स्किपेबल ऐड था तो आपने पूरा देखा होगा, तो इस तरीके से लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो में ही ऐड आ जाता है, ठीक है। लेकिन जो शॉर्ट फॉर्मेट, जो शॉर्ट वीडियोज़ है उसमें वीडियो में ऐड नहीं आता है, वीडियो के बीच जैसे आप एक वीडियो देख रहे हैं स्क्रॉल किए तो बीच में एक ऐड आ जाता है, तो वहाँ पे जो रेवेन्यू शेयरिंग होगा कुछ इस तरीके से होगा कि आप, आपका जितना सारा शॉर्ट्स देखा गया और बीच में जो एड्स आया गया है उसको कुछ काउंटिंग या कैलकुलेशन रहेगा जो यूट्यूब ने अभी क्लियर नहीं किया है। यूट्यूब ने जस्ट 45% बताया हुआ है कि 45% रेवेन्यू मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा इस तरीके से कि जितना सारा वीडियोज़ आपका देख रहा है और उसके बीच में जितना ऐड आ रहा है तो उस ऐड का जो रेवेन्यू है सारे वीडियोज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है, 45%। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये हो सकता है कि आपके वीडियो के साथ साथ कोई दूसरा चैनल का वीडियो भी आया हो तो उसमें भी हो जाएगा अगर वो चैनल मोनेटाइज है, तो इस तरीके से रेवेन्यू शेयर होगा शॉर्ट्स क्रिएटर के बीच में। और ये अच्छी बात है क्योंकि इसमें जो है उनको भी जगह मिलेगी जो ऑलरेडी मोनेटाइज है, जैसे कि आपका चैनल अगर ऑलरेडी मोनेटाइज है 2023 से जब ये लागू हो जाएगा आपको नया YPP साइन करना होगा, YouTube पार्टनर प्रोग्राम, एंड आप भी एलिजिबल हो जाएंगे, जिन्होंने जो है ऑलरेडी लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो अपना मोनेटाइज करके रखा हुआ है वो भी अगर शॉर्ट्स वीडियो डालते हैं और उसमें व्यूज़ आता है तो भी जो है आपको अर्निंग मिलेगी। नाउ किस तरीके से मिलेगी, जैसे कि लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो में हम पता करते हैं कि अर्निंग हमारा कितना ज़्यादा होगा या कम होगा RPM को देखकर, तो अब शॉर्ट्स में क्या देखा जाएगा पता नहीं, क्योंकि जो लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो का जो व्यू बोलिए या फिर सर्च बोलिए उसका एल्गोरिदम अलग है और शॉर्ट फॉर्मेट वीडियो का भी एल्गोरिदम अलग है, तो उसका RPM किस बेसिस पे होगा। मुझे लगता है कि वहाँ पर जो है RPM में लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो में क्या दिखाया जाता है कि 1000 व्यूज़ में कितना अर्निंग होगा, तो शॉर्ट्स में आई थिंक ये थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, क्या होगा ये यूट्यूब ही बता सकता है, जब एक बार ये अपडेट को लागू कर दे तो हमको वेट करना होगा यूट्यूब का उस अपडेट के लिए कि कब ये कुछ गलत, आपको नहीं बता सकते है ना, अंदाज में बहुत सारे क्रिएटर्स बता देते हैं कि ये होगा वो होगा, बट जो यूट्यूब ने अब तक बताया है वो यही बताया कि 45% मिलने वाला है और आपका जितना सारा वीडियो देखा जाएगा एड्स के साथ तो वो सारे वीडियोस में वो रेवेन्यू जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जो भी ऐड उसके बीच में चल रहा होगा। तो ये था शॉर्ट्स के लिए जो है अपडेट। नाउ इसमें जो एक YouTube ने एक जो नया रास्ता लेके आया 10 मिलियन व्यूज़ का, तो ये कैसे होगा, किस तरीके से आप करेंगे या फिर ये अपडेट वाकई में आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, इसके बारे में भी डिस्कशन होगा मेरे चैनल पे अगली वीडियो पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा जैसे वो वीडियो आए, क्योंकि उसमें मैं आपको कुछ समझाने वाला हूँ 10 मिलियन व्यूज़ से रिलेटेड कि किस तरीके से आप उसको अचीव कर पाएंगे या फिर ये अचीवेबल है भी या नहीं, इसके बारे में हम उस वीडियो में बात करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। बाय बाय।